हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फिर से वोडाफोन आइडिया के बारे में। आज भी दो बड़ी खबरें निकल के आ रही है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। और बताना चाहूँगा कि आज लास्ट यहाँ पे वीक के लास्ट दिन में वोडाफोन आइडिया में भयंकर बिक वाले की सिचुएशन दिखाई दी है। तो अगले वीक के लिए कौन सी रणनीति आपको रखनी चाहिए, कौन से लेवल पर वोडाफोन आइडिया संभलने की कोशिश कर सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपके साथ बात करने की कोशिश करूँगा। वीडियो के साथ पूरा पूरा जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए। सबसे पहले बात करूँ कि आज की सिचुएशन देखें तो वोडाफोन की सिचुएशन आज डेफिनेटली अच्छी नहीं थी। हालांकि मार्केट में भी ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी थी, 9 रुपये 15 पैसे के आसपास। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लोजिंग हुई है, आज 4.5% की गिरावट हमें नजर आ रही है। हालांकि पूरे वीक की बात करें तो यहाँ पे संभलने की कोशिश करी थी। हालांकि पूरे वीक में अभी भी 1% के रिटर्न है, पिछले 1 महीने में फ्लैट है, पिछले 6 महीने में 40% डाउन है, 2022 में 41%, और 1 साल की टाइम होराइजन पे 6% की गिरावट नजर आ रही है। तो दो खबरें जो है वो पहले तो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। इंडस टावर के सीईओ की तरफ से बोला गया है वोडाफोन इंडिया के ऊपर कि वोडाफोन इंडिया मीटिंग कमिटमेंट्स प्राइसिंग टॉक्स, मतलब यहाँ पे इंडस टावर के सीईओ की तरफ से बयान निकल कर आ रहा है कि वोडाफोन आइडिया का जब मर्जर हुआ था तब जो प्राइसिंग को लेकर जो कमिटमेंट थी वो कमिटमेंट में अभी भी वोडाफोन इंडिया खड़ा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसकी सिचुएशन वोडाफोन इंडिया की अभी पहले जैसी नहीं रही, थोड़ी खराब है फाइनेंशियली। जो उन्होंने मर्जर के दिन कमिटमेंट करी थी, मतलब कि जब मर्जर हो रहा था तब, यहाँ पे इंडस टावर के साथ जो कमिटमेंट करी थी प्राइसिंग को लेकर के, वो अभी भी उसके ऊपर मीट कर रहे हैं, मतलब कि इसमें कोई भी डील नहीं दे रहे। तो पॉजिटिव कमेंट्री सीईओ के द्वारा निकलती हुई दिखाई दे रही है इंडस टावर के। और इसके अलावा और एक खबर है जो कि मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, और यह खबर है TCS के सीईओ के द्वारा कि सेंटर को 5G स्पेक्ट्रम डायरेक्टली प्राइवेट फर्म को ही देना चाहिए। इस तरह की बातें यहाँ पे भारत सरकार को TCS के सीईओ ने बोली है। तो अभी ये जो बातें चल रही है 5G के ऊपर, वो किस तरह के यहाँ पे भारत सरकार इसके ऊपर रिस्पॉन्स करता है। हालांकि 5G स्पेक्ट्रम के ऊपर विलंब होगा ऐसी ही कल खबर निकल करके आई थी, जिसके चलते भी यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है यहाँ पे टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर। हालांकि रिलायंस में बड़ी तेजी है, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया थोड़े बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं। तो 5G के स्पेक्ट्रम के ऑक्शन पहले होंगे, उसके बाद इन कंपनियों की जो सिचुएशन है वो पता चलेगी कि कौन कितने स्पेक्ट्रम बाय कर सकता है और यहाँ पे किस तरह की सिचुएशन रहती है उसके ऊपर पूरा पूरा दारोमदार अगले हफ्ते दिखाई दे सकता है। क्योंकि अगले हफ्ते नई तारीख आ सकती है स्पेक्ट्रम ऑक्शन को लेकर, जून के फर्स्ट वीक में बोला जा रहा था पर वो तो अभी नहीं हो पा रहा। तो नेक्स्ट तारीख क्या आती है उसके ऊपर भी टेलीकॉम कंपनियां रिस्पॉन्स करती हुई दिखाई देगी। चार्ट पे ले जाने से पहले यहाँ पे कारोबार की सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। यहाँ पे देख सकते हो कि वोडाफोन इंडिया लिमिटेड 9 रुपये 15 पैसे पे क्लोजिंग, प्रीवियस क्लोजिंग 9 रुपये 55 पैसे, ओपन 9 रुपये 60 पैसे, हाई 9 रुपये 65 पैसे, लो की बात करें 9 रुपये 15 पैसे, और एडजस्टेड प्राइस की बात करें 9 रुपये 20 पैसे। क्वांटिटी 9 करोड़ 64 लाख शेयर की ट्रेड हुई है, जिसमें से 2 करोड़ 70 लाख शेयर की डिलीवरी। फिर भी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी अच्छा है, 28% के आसपास का डिसेंट नजर आ रहा है। सीधा चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा और नेक्स्ट लेवल टारगेट क्या आ सकते हैं अगले वीक के लिए वो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के चार्ट पे लेकर क्या है वो बड़ी टाइम फ्रेम पे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम अगले वीक के लेवल टारगेट जानने की कोशिश कर रहे हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए कि 11.5 से लगभग 8.5 रुपये तक की गिरावट, और उसके बाद बढ़िया बाउंस बैक, उसके बाद फिर से गिरावट आती है, फिर से बाउंस बैक, और भी अभी 10 रुपये 20 पैसे तक जाने की कोशिश करी थी। मुझे लगता है अभी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगले वीक में दिखाई देगा वो 9 रुपये से लेकर 8 रुपये 75 पैसे का जो जोन है, 25 पैसे का, वहाँ पे मुझे लगता है जो जिगजिग करके बता रहा हूँ वहाँ पे वोडाफोन आइडिया सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो डेफिनेटली अभी भी यहाँ पे शॉर्टिंग की पोजीशन बनाने का डेफिनेटली मौका नहीं है, अभी आपको बाय ऑन डिप्स रखना है। जब तक 8.75 रुपये के ऊपर तब तक अभी मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए, फिर मुझे लगता है फिर से 8 रुपये के आसपास आएगा अगर 8.75 रुपये 70 पैसे के लेवल टूटे तो। ऊपर की तरफ 9.65 रुपये 10 रुपये 20 पैसे के लेवल अभी रेजिस्टेंस के तौर पे अगले वीक आपको डेफिनेटली दिखाई दे सकते हैं। RSI का लेवल देखें तो फ्लैट है, 48 के आसपास है, और यहाँ पे बाइंग साइड वॉल्यूम पहले बढ़िया आया था परंतु अभी वॉल्यूम ठीक ठाक नजर आ रहा है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि वोडाफोन का आप स्टडी करिए और उसके बाद ही यहाँ पे किसी भी तरह की कोई पोजिशन बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल पर नहीं होते जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।